हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर लर्निंग। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का तरीका और उसे कैसे नियम और कानून के साथ फहराया जाए जिससे हमारे साथ कोई भी दंडनीय अपराध ना हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताऊँगा और उसे फहराने के बाद वापस अपने घर पर कैसे रखना है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल नॉलेज फॉर लर्निंग को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारी इस वीडियो पर। सो गाइस, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी के उपलक्ष में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आदेश दिया है कि देश के सभी घरों में, सरकारी दफ्तरों में, ऑफिसों में, सरकारी भवनों में, रेलवे स्टेशनों पर सभी जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जो कि 13 से 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो गाइस, इसमें देश के 20 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो इसके कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाता है तो वे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। नंबर दो, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का सबसे ऊपर होना चाहिए, कोई अन्य झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, राष्ट्रीय ध्वज अगर क्षतिग्रस्त हो, जरा भी फटा हो तो उसे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। नंबर चार, किसी को सलामी देने के लिए तिरंगे को झुकाया नहीं जा सकता। नंबर पाँच, कागज़ के झंडे का चलन है, लेकिन इस तरह के झंडे बाद में लोग फेंक देते हैं या पेड़ों के नीचे या कूड़े के ढेर में दिखाई देते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। कागज़ का तिरंगा उपयोग कर रहे हैं तो बाद में उसे मर्यादित तरीके से एकांत में रख दें। नंबर छः, फटा हुआ और मेला झंडा प्रदर्शित नहीं कर सकते, ध्वज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ, तिरंगे का अपमान करने पर सजा। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, उसे जलाते हैं, दूषित करते हैं, कुचलते हैं या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना देने का दंड मिल सकता है। व्यक्ति को जेल या जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो आप इन नियमों का ध्यान रखें। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल नॉलेज फॉर लर्निंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।